सर क्या उद्देश्य लेकर आप संत हिरदाराम कॉलेज में आए, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं? सर मेरी जिंदगी में मैं काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज देख रहा हूँ बच्चों की लाइफ में, पेरेंट्स की लाइफ में, इवन शिक्षकों के लिए. तो मैंने एक अपना लाइफ का मिशन बनाया है कि जितना भी हो अपनी तरफ से, शायद वो समुद्र में एक बूंद जैसा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे कम से कम तकलीफ उठाएं, समझें रिश्तों को, माँ बाप के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, और माँ बाप इस चीज़ को समझें कि हमें क्या करना है बच्चों के लिए. आज रोल बहुत ख़राब हो गए हैं, माँ बाप व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, फेसबुक में लगे हुए हैं. मुझे बहुत दुख होता है उन हज़ारों लोगों के साथ हम रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ कोई सरोकार नहीं है, जिनका कोई योगदान नहीं है, और खुद के बच्चों से, खुद की फैमिली से, अपने पति पत्नी से हम दूर होते जा रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा मिशन है मेरी लाइफ का. तो संत हिरदाराम को मैं इसलिए मानता हूँ, जैसे भाऊजी है, इसलिए मानता हूँ कि ये भी बहुत दिल से सेवा कर रहे हैं लोगों की. तो मैं कृतार्थ हूँ, मैं कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आकर यहाँ कुछ इनके लिए कर पा रहा हूँ. तो मैं तो आभारी हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया, और ज़िंदगी भर मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ. सर कितने दिन की कार्यशाला है ये? तीन दिन का वर्कशॉप है. इसमें आपने जैसा बताया कि 82 इयर्स के एक रिटायर्ड आईएएस आपके वर्कशॉप में आके बैठे, वाइट वर्कशॉप में नहीं आए, वो काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए आए थे. तो मतलब एक आईएएस इस देश का अगर आपके पास आया, क्या संदेश देंगे, क्या बच्चे करें क्या आखिर? हाँ, इसलिए है कि पहले आप चूंकि लोग आप लोग थे नहीं, मैंने पहले ही बताया था, आज के परिप्रेक्ष्य में और आने वाले समय में डेजिग्नेशन, पोजीशन और डिग्रीज जो है किसी काम की नहीं है. वो खाली हमें कुछ एक पैसा दिला सकती है, एक स्थिति दिला सकती है. लाइफ में सफलता के लिए हमारे अपने दिमाग पर, अपनी आदतों पर और हमारे नेचर पर काबू पाना बड़ा ज़रूरी है. तो ये सारे वर्कशॉप मेरे जितने होते हैं इसी बात पर होते हैं कि लोग अपने आप पर नियंत्रण कैसे करें, कब हाँ बोलें, कब ना बोलें. तो आपकी पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं, इसका संबंध है आपके अंदर के चरित्र से. क्या संदेश देंगे आप? किस बारे में आप संदेश पूछ रहे हैं सब? भविष्य देश का जो निर्माण है, हाँ, वो बच्चे जो है भटक रहे हैं, वो भटकाव से बच्चे हैं, उसके लिए आप उनके लिए क्या संदेश? मैं सच बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. मेरे को 2 रुपए का भी गिला शिकवा नहीं है यंगर जनरेशन के साथ. मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत गिला शिकवा है बड़ों के साथ. हम जो उनके मार्गदर्शक होने चाहिए, हमें जो बहुत कुछ उनके लिए करना है, वो सब हम छोड़कर अपनी दुनिया में जा रहे हैं. बच्चों को पैदा भी हम करते हैं खुद की खुशी के लिए, नहीं कि देश के लिए हम कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए बाद में अपनों को खो देते हैं. मैं ये कहूँगा कि बड़ों के वर्कशॉप्स की, बड़ों के परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बच्चों को दोष देना बहुत आसान है क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो आज कमा नहीं रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ तकलीफ बच्चे उठा रहे हैं, मैं दिल से कहता हूँ ये बड़ों के कारण है. अगर हम सही हो जाएं, हम एकजुट होकर काम करें, तो बच्चों को इस त्रासदी से, इस तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं. थैंक यू.